कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने इस बात को समझ लिया कि कब कहां और कितना बोलना चाहिए, उस आदमी को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कहा जाता है कि जिस तरह से कमान से निकला हुआ तीर कभी लौट कर वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह से मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। वहीं पे इंटेलेक्चुअल लोग भी ज्यादातर चुप रहने का ही सलाह देते हैं, क्योंकि साइलेंस एक ऐसी शक्ति है जो हमें किसी भी बात को गहराई से समझने और काम करने की ऊर्जा प्रदान करती है। साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट बताते हैं कि चुप रहने से हमारा माइंड ज्यादा काम करता है, जिससे हमारी सोच तार्किक होती जाती है और हम सही समय पर सही डिसीजन ले पाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, चुप रहने से हमारा मन शांत रहता है, जिससे हम अपने अंदर की खुशी को महसूस कर पाते हैं। कहा जाता है कि जितना जरूरी हो उतना ही बोलें। इससे आपके अंदर सीखने या ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और बुद्धि भी तीव्र होती है, और यही वजह है कि सभी धर्मों में मौन को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। अगर हम आज के वैज्ञानिक युग की बात करें तो वैज्ञानिक भी इस बात को कहा करते हैं कि सेहत से मौन का गहरा संबंध है और इससे मानसिक शांति मिलती है। मौन रहने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस के साथ साथ हमारी कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ती जाती है, जिससे हम एकाग्र होकर सकारात्मक सोच सकते हैं और अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि मौन रहने से हमारा शरीर ऊर्जावान रहता है और हम किसी भी कार्य को बेहतर ढंग से करने में सक्षम हो जाते हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि ज्यादा बोलकर हम अपनी एनर्जी का दुरुपयोग करते हैं। इसके अलावा मौन रहने के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हम कम बोलकर दूसरों की बातों को अच्छी तरह से सुनते हैं और उन्हें बोलने का पूरा मौका देते हैं, जिसके कारण हमारे सोचने और समझने की शक्ति बढ़ती है और हमारे आपसी रिश्तों का बॉन्डिंग भी और भी मजबूत होता जाता है। क्योंकि कभी कभार हम ज्यादा बोलने की वजह से अपने प्रियजनों व दोस्तों को कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसकी वजह से हमारा रिश्ता ही खराब हो जाता है और बात इतनी बिगड़ जाती है कि हमारा झगड़ा भी हो जाता है और फिर बाद में उस बात के लिए बहुत पछतावा होता है। तो फिर ऐसे कंडीशन में इन सभी उलझनों से बचने के लिए कम से कम बोलना चाहिए। वहीं पे ज्ञानी जन भी बताते हैं कि मौन में इतनी शक्ति होती है कि आप हर सिचुएशन से लड़ने में सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि मौन रहकर आदमी अपने अंदर की स्ट्रेंथ का अनुभव करता है और बिल्कुल ही शांत मन से कोई भी डिसीजन लेता है, जो कि बिल्कुल ही सही डिसीजन होता है, जिसकी वजह से वह दिन प्रतिदिन अपनी लक्ष्य की तरफ बढ़ता जाता है। वहीं पे साल 2015 में एक स्टडी किया गया और उसमें पाया गया कि कम बोलने वाले लोग अच्छी तरह से सो पाते हैं, क्योंकि उनका मन शांत रहता है, जिससे वे एक अच्छी नींद ले पाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वो नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि हमारी हर अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो खैर, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।